हे गाइस, काफी लोग पहले इस बीट को परचेज करने से इसलिए डरते थे कि भाई उन्हें ये लगता था कि इस बीट को रख पाना बहुत टफ होता है। लेकिन गाइस, जहाँ पर आप लोग लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड को रख सकते हो, वहाँ पर आप लोग साइबर एस्की को भी रख सकते हो। वैसे आज मैं आप लोगों के लिए अल्टीमेट क्वालिटी के पपीस लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं, एंड इनमें आप लोगों को कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो गाइस, पहले तो आप लोगों को बता दूं कि पपीज जो ना ये होम ब्रीडिंग के हैं, और आप लोग इनकी हेल्थ और इनके पेरेंट्स को भी साथ में देख सकते हो। दोनों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो आप लोगों को क्वालिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड साथ में पपीज की एक्टिविटीज देखिए भाई, पपीज कितने ज्यादा एक्टिव है, और हमेशा आप लोगों को एक्टिव पपीज ही परचेज करने चाहिए। अगर कोई पपी लेजी दिख रहा ना, तो भाई आप लोग उसे अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर है। एंड गाइस, इन साइबरनेस की पपीज में आप लोगों को मेल पपीज और फीमेल पपीज दोनों ही मिल जाएंगे। एंड आइस कलर की बात करें तो उनका कहना है कि पपीज की जो आइस हैं वो ग्रे एंड व्हाइट कलर में, जो कि काफी यूनिक सी होती है, दिखने में काफी ब्यूटीफुल भी लगेंगी। वैसे गाइस, उन्होंने इनके कोट के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि पपीज वुली कोट में या फिर सेमी वुली कोट में, तो ये चीज आप लोग डिस्कस कर लें, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साइबरनेस की एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड है, और अगर बात करें इनके टेम्परामेंट के बारे में, तो टेम्परामेंट इनका बहुत ही लविंग होता है, ये काफी फ्रेंडली डॉग ब्रीड है। लेकिन गाइस, अगर आप लोग साइबरनेस को परचेज कर रहे हो, तो इन्हें कूलर या एसी तो भाई प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि साइबेरिया की डॉग ब्रीड है जहाँ पर काफी ठंड होती है। वैसे साइबरनेस के कुछ अलग अलग कोट में भी आते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कोट, वुली कोट या फिर सेमी वुली कोट। वैसे जो स्टैंडर्ड कोट के पपीज होते हैं उनका प्राइस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो वुली या सेमी वुली कोट के होते हैं उनका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, और वो दिखने में भी काफी हैवी लगते हैं। एंड गाइस, इन पपीज में जो आप लोगों को सबसे ब्यूटीफुल चीज देखने को मिलेगी वो है इनकी मार्किंग, क्योंकि पपीज जो ना ये ट्रेडेंट मार्किंग में, जिसे हम लोग त्रिशूल का निशान कहते हैं, और वो आप लोग इनके फोरहेड पर देख सकते हो। तो भाई, मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा कि अगर आप लोगों को क्वालिटी की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप लोग आग बंद करके इन पपीज के लिए जा सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी एक्सीलेंट है। एंड हाँ, अगर आप लोग इन पपीज को लाइव वीडियो कॉल पर देखकर भी सिलेक्ट करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, एंड मदर और फादर दोनों ही ओनर के पास अवेलेबल है, जिन्हें जब आप लोग डायरेक्ट पपीज को परचेज करने जाओगे तो सामने से देख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो मेल होता है वो किसी और का होता है और फीमेल ओनर के पास होती है, तो आप लोग दोनों को एक साथ नहीं देख पाते। वैसे गाइस, आई एम श्योर इन पपीज की क्वालिटी देखने के बाद आप लोग इस चीज को लेकर भी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि पपीज का प्राइस क्या होने वाला है, उसी के भी आप लोग इन्हें परचेज कर पाओगे। तो चलिए वो भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इनकी एज के बारे में। तो गाइस, पपीज जो ना ये 2 मंथ्स के आसपास हो चुके हैं, उन्होंने डिफॉर्मिंग तो टाइम टू टाइम करवा रखी है, लेकिन भाई वैक्सीनेशन के बारे में उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि उन्होंने स्टार्ट करवा दिया या फिर नहीं, तो इस बारे में आप लोग ओनर से पूछ ले। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है बेंगलोर से, तो आप लोग डायरेक्ट जाकर भी पपीज को परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग डिलीवरी चाहते हो ना, तो डोंट वरी, ओनर आप लोग को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। एंड फाइनली, अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें, तो पपीज तो भाई फेबलस क्वालिटी में, तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड किया है, मेल की 22,000 पीस 22,000 रूपए, एंड फीमेल की गेट 20,000 पीस यानी 20,000 रूपए। लेकिन दोस्तों, प्राइस फिक्स नहीं है, तो आप लोग बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक भी करके जा सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।